NCERT class 12, exercise 5.6, exercise 5.6, question number 4, 5, 6, question number 4, x equal to 4t and y equal to 4 upon t. देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं और x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4 बाई t, हमें dy बाई dx निकालना है। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन मींस होता है जिसमें मोर देन टू वेरिएबल होता है। देखिए यहाँ x t के ऊपर डिपेंड करता है एंड y अल्सो डिपेंड्स ऑन t, तो x y भी एक दूसरे पर डिपेंड करते होंगे, तो ऐसे फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाता है। और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dx अपॉन सॉरी t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस फंक्शन में x जो है t का फंक्शन है, इसलिए हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट एंड dt अपॉन dt, तो होगा dx अपॉन dt इक्वल टू 4 एंड dt अपॉन dt 1, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। सिंस y इक्वल टू 4 अपॉन t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx, सॉरी यहाँ पे t का फंक्शन है ये, इसलिए t के रिस्पेक्ट में, तो dy upon dt equal to 4 constant d1 by t upon dt। स्टूडेंट्स यहाँ 4 constant है बाहर करेंगे तो 1 by t होगा, तो होगा dy upon dt equal to 4, और 1 बाई टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। नाउ हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी, देखिए dy by dt है माइनस 4 बाय t स्क्वायर अपॉन dx by dt है 4, देखिए इसके बाय में कुछ भी नहीं है, 1 देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए dt कैंसिल हो जाएगा तो हमें dy by dx आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 बाय t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, ये 4 कैंसिल इक्वल टू माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर का क्वेश्चन कहता है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, x थीटा का फंक्शन है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन d थीटा इक्वल टू d cos थीटा अपॉन d थीटा एंड माइनस d cos 2 थीटा अपॉन d थीटा, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू cos थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस sin थीटा एंड माइनस cos 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस ये और cos का माइनस होगा एंड प्लस 2 sin 2 थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, cos थीटा का डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, और इस cos 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में
तो कॉस टू थीटा का हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, और ये कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ गया, तो आ गया माइनस साइन थीटा एंड प्लस टू साइन टू थीटा। ये हो गया मेरा फर्स्ट। सेकेंड है वाई इक्वल टू साइन थीटा एंड माइनस साइन टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये भी थीटा का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा एंड माइनस डी साइन टू थीटा अपॉन डी थीटा। तो कुछ ऐसा मिलेगा dy by d theta, dy by d theta इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा एंड माइनस साइन टू थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमें dy by dx निकालना है, और dy by dx निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स देखते हैं। हमें ऐसा करना होगा dy by dx निकालने के लिए, हमें ऐसा करना होगा dy by d theta upon dx by d theta करना होगा। dy by d theta हमने निकाल के रखा है cos theta minus 2 cos 2 theta upon sin theta को साइन थीटा माइनस माइनस ई सॉरी डी एक्स अपॉन डी थीटा है माइनस साइन थीटा एंड प्लस टू साइन टू थीटा। और एक स्टेप वन स्टेप और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा मिलेगा। देखिए कि डी थीटा कैंसिल होगा तो डी वाई बाय dx इक्वल टू मिलेगा हमें। इसको अरेंज करके लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरेंज करके लिखते हैं। तो लिखेंगे cos थीटा माइनस टू cos टू थीटा अपॉन, इसको लिखेंगे टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सॉरी सिक्स नंबर का क्वेश्चन होगा एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं फिर सेकंड पार्ट को करेंगे। देखिए ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक्स जो है वो थीटा का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग डी थीटा अपॉन डी थीटा एंड माइनस अलग अलग डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। यहां मिलेगा हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए और डी थीटा अपॉन डी थीटा। देखिए थीटा का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में वन होगा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट ऐसा है वाई इक्वल टू सिंस वाई इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये भी थीटा का फंक्शन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ होगा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम तो डी वन बाय डी थीटा एंड प्लस डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा। तो ऐसा मिलेगा हमें डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, देखिए ये ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ वन कॉन्स्टेंट है तो वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो एंड प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हम दे दें माइनस साइन थीटा।
इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू होगा माइनस ए साइन थीटा। ये हो गया सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो बताइए हमें dy by dx निकालना है, तो आप लिख सकते हो dy by dx इक्वल टू आप लिख सकते हो dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम मिटा दें। तो देखिए लिखेंगे हम dy by dx इक्वल टू, देखिए यहाँ dy by d थीटा है और dy by d थीटा का वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रखा है माइनस ए साइन थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा का वैल्यू यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के रखे हैं a इंटू वन माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ए कैंसिल हो जाएगा तो होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करते हैं माइनस, कुछ यहाँ फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारा यूज होने वाला है ये फार्मूला, इस फार्मूला को लिखते हैं। देखिए सिंस साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत यूजफुल फार्मूला है, तो आप साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल एंगल है, और यहाँ सिंगल एंगल होगा तो हाफ हो जाएगा, तो टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, यहाँ साइन थीटा है वन माइनस कॉस थीटा, तो हमने पढ़ा है कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू टू साइन स्क्वायर थीटा, हमने कॉस टू थीटा का वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन एज इट इज, कॉस को इधर ले जाएंगे तो वन माइनस कॉस टू थीटा, देखिए ऐसा मिला हमें वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू मिला टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा मिला स्टूडेंट्स। तो बताइए यहाँ देखिए डबल है तो यहाँ सिंगल हो गया है, यदि हम ऐसा लिखें कि वन माइनस कॉस थीटा तो कुछ ऐसा होगा, आप ये फॉर्मूला वन माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ डबल एंगल है तो आया टू साइन स्क्वायर, यहाँ सिंगल हुआ, यदि ये खुद सिंगल हो तो ऐसा मिलेगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो कैसा लिखेंगे, देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा के बदले में आप देखिए क्या लिख सकते हो, साइन थीटा के बदले में लिख सकते हो टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल होगा, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाय टू, और यहाँ पे साइन थीटा बाय टू बचा हुआ है, साइन थीटा बाय टू इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाय टू, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को आप जरूर देखिए और सारे सिलेबस की तैयारी हम कराएंगे आपको, इसलिए मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप जब भी हम वीडियो डालें तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें।